7 दिसंबर 1941। इस दिन कुछ ऐसा हुआ जो शायद नहीं होना चाहिए था और जिसका खमियाजा दुनिया आज तक भुगत रही है। ये इतिहास का वो दिन था जिसके बाद दुनिया बिल्कुल बदल ही गई थी। आखिर क्या हुआ था इस दिन जिसने अमेरिका को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल होने के लिए मजबूर कर दिया, और क्यों अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला किया, जानेंगे आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत 1941 से शुरू होती है जब दूसरा विश्व युद्ध अपने उरुज पर था। जापान का कंट्रोल ईस्ट एशिया पर बढ़ता जा रहा था और एक के बाद एक मुल्क फतेह किए जा रहा था। यहां तक कि कोरिया, ताइवान और चीन के बड़े इलाकों पर भी जापान का कंट्रोल हो चुका था। जापान की यह हरकत देखकर अमेरिका ने जापान की तेल सप्लाई रोक दी और उसको वार्निंग दी कि चीन से अपना कब्जा वापस हटा ले, इसके बाद ही सप्लाई शुरू की जाएगी। भले ही आज अमेरिका और चीन एक दूसरे के आमने सामने हैं, लेकिन उस वक्त अमेरिका ने चीन की सपोर्ट के लिए जापान की तेल सप्लाई रोक दी थी। जापान, जो अपनी जरूरत का 80% तेल अमेरिका से ही ले रहा था, उसने चीन से फौज ना हटाई बल्कि इंडोनेशिया पर कब्जा करने का मंसूबा बना लिया, क्योंकि यहां नेचुरल रिजर्व बड़े पैमाने पर मौजूद थे। लेकिन यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि इंडोनेशिया उस वक्त नीदरलैंड की कॉलोनी थी और वहां तक पहुंचने के लिए जरूरी था कि पहले फिलीपींस पर कब्जा किया जाए, जो अमेरिका की कॉलोनी थी। अब अमेरिका की कॉलोनी पर हमला करना कोई मामूली बात नहीं थी, क्योंकि जापान जानता था कि अगर उसने फिलीपींस पर कब्जा किया तो पैसिफिक ओशन में ही मौजूद अमेरिकी नेवल बेस पर्ल हार्बर से उसकी जवाबी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जापान के पास ऑयल रिजर्व्ड बड़ी तेजी से खत्म हो रहे थे। उसके पास दो ही ऑप्शन थे, या तो चीन से अपना कब्जा छोड़े या फिर हमला करे। जापान ने हमला करने का फैसला किया, लेकिन फिलीपींस पर नहीं बल्कि पर्ल हार्बर नेवी बेस पर, ताकि जब अमेरिकी नेवल बेस पूरी तरह तबाह हो जाएगी तो फिलीपींस पर आसानी से कब्जा हो जाएगा। जापान ने इस हमले को बहुत खुफिया रखा और अपनी सेना को इसके लिए तैयार करना शुरू कर दिया, जिसमें 39 पनडुब्बियां, 2 बैटल शिप्स, 414 बॉम्बर एयरक्राफ्ट और 30 डिस्ट्रॉयर्स शामिल थे। इन सबको 6 एयरक्राफ्ट कैरियर के जरिए पर्ल हार्बर की तरफ रवाना कर दिया गया। ये एक सरप्राइज अटैक होने जा रहा था जिसके बारे में न तो अमेरिका ने सोचा था और ना ही दुनिया ने, क्योंकि अमेरिका अब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल नहीं हुआ था और न ही उसका ऐसा कोई इरादा था। बहरहाल ये हमला इतना खुफिया था कि अमेरिका को इसकी कानों कान खबर ना हो सकी, और 7 दिसंबर 1941 को सुबह 7:57 पर जापानी एयरक्राफ्ट ने 2 ग्रुप में बंटकर अमेरिकन नेवल बेस पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। ये हमला बहुत खतरनाक था, जिसे जापान ने अपनी पूरी ताकत के साथ किया था। खुले आसमान से जापानी एयरक्राफ्ट अमेरिकी नेवल बेस पर बम की बारिश बरसा रहे थे। जब तक अमेरिकन कुछ समझ पाते तब तक जापान अपना काम कर चुका था। 1 घंटा 15 मिनट तक चले इस हमले में अमेरिकन नेवी पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी और करीब 2403 लोग इस हमले में मारे गए थे। इसके बाद जापान ने फिलीपींस पर आसानी से कब्जा कर लिया। जापान ने अमेरिकन नेवल बेस तो तबाह कर दी थी, लेकिन अब वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को वर्ल्ड वॉर में शामिल कर चुका था। अमेरिका, जो इस हमले से पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर से दूरी दूरी बनाए हुए था, उसने जापान के खिलाफ खुला ऐलाने जंग कर दिया, यानी अब अमेरिका भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हो चुका था। अगले 3 महीनों तक अमेरिका अपने नेवल बेस को दोबारा से मजबूत करने में लगा रहा और 4 महीने के बाद उसने अपना पहला हमला अप्रैल 1942 जापान के शहर टोक्यो पर कर दिया, जो अमेरिका का दूसरे विश्व युद्ध में पहला हमला था। और इसके बाद अमेरिका नहीं रुका। जापान और अमेरिका के बीच तकरीबन 4 सालों तक लगातार जंग चलती रही, जिसमें दोनों को ही काफी नुकसान हुआ, लेकिन जंग अब भी जारी थी। वहीं 1945 आते आते सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने खात्मे की तरफ था। यूरोप में लगभग जंग खत्म हो चुकी थी। जापान के सबसे बड़े इत्तेहादी हिटलर ने आत्महत्या कर ली थी और जर्मनी सरेंडर कर चुका था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 ग्रुप्स में बटा हुआ था, जिसमें एक तरफ एलाइज पावर थी, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ, अमेरिका और चीन जैसे बड़े देश शामिल थे, जबकि दूसरी तरफ एक्सिस पावर थी, जिनमें जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे। एलाइज पावर के आगे एक्सिस पावर घुटने टेक चुकी थी। अब एक्सिस पावर में सिर्फ जापान ही रह गया था, जो सरेंडर करने पर राजी नहीं था। लगातार वार्निंग्स और युद्ध के बाद भी जापान हथियार डालने को तैयार नहीं था। फिर तारीख का वो दिन आता है जिसके बारे में दुनिया सोचने से भी कांप जाती है, यानी 6 अगस्त 1945 सुबह 8:15 पर जापान के शहर हिरोशिमा पर अमेरिका ने
परमाणु बम से हमला, और इस तरह अमेरिका दुनिया के इतिहास में पहला और इकलौता देश बन गया परमाणु हथियारों को इस्तेमाल करने वाला। यह हमला इतना खतरनाक था कि जिसके बारे में जापान ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। ठीक इसके 3 दिन बाद एक और परमाणु बम 9 अगस्त को जापान के शहर नागासाकी पर गिरा दिया गया। जिसके बाद जापान ने सरेंडर कर दिया। जापान के सरेंडर के साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर का भी खात्मा हो गया। इस हमले से 2 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें 95% आम शहरी थे। इसके अलावा हिरोशिमा और नागासाकी शहर पूरी तरह से बर्बाद हो गए।